बल के आधार पर सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, जो आपने देखा आप सबके आशीर्वाद से। अरे मकंडी तुम्हारे साथ 34 दिन तक होटल में रहे, ये जानते हैं क्या क्या हो रहा था राजस्थान के अंदर और किस प्रकार हमारे विधायकों की जब मुलाकात हुई अमित शाह से, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान बैठे हुए थे, इस्लाम कहला मुझका सैयद जाफर इस्लाम जो भी मेंबर पार्लियामेंट बन गए राज्यसभा के बीजेपी के, जो सिंधिया को भी लेके थे बीजेपी के अंदर, वो बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे। एक घंटा मुलाकात उनकी हुई और वो विधायक कहते हैं आकर के मुझे, सब हमें शर्म आ रही थी कि कहा तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे और कहा ये अमित शाह गृह मंत्री के रूप में बैठे हुए हमें मिठाई खिला रहे हैं, नमकीन खिला रहे हैं, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से बात करने का नाटक कर रहे हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, और ये माहौल बना रहे थे वहां पर कि चिंता मत करो मेरा पैसिव पॉइंट है, 4 सरकारें मैंने गिरा दी, 5 ये 6 गिरा के रहेंगे हम लोग, थोड़ा धैर्य रखो। इस प्रकार के माहौल के अंदर ये पूरा खेल खेला गया। ये तो सूर्यवाला जी थे, ये अजय माकन जी थे, अविनाश पांडे जी थे, वेणुगोपाल जी थे, ये तमाम लोग आके बैठ गए और जो फैसले इन्होंने किए बर्खास्त करने के लोगों को, हमारे नेताओं को, ये नौबत आ गई तब जाके सरकार बच पाई है। तो ये षड्यंत्र बीजेपी हर राज्य में कर रही है, महाराष्ट्र की बारी आने वाली है, लोग कहते हैं पता नहीं क्या होगा, राजस्थान में वापस गेम शुरू करने वाले हैं, ये इनकी सोच है। इस प्रकार से जो चुनी सरकारों को गिराने के षड्यंत्र करते हैं, इस राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखा दिया। पूरी राजस्थान प्रदेश की जनता चाहती थी सरकार जाने नहीं चाहिए। कार्यकर्ता फोन करते थे एमएलए को कि चिंता मत करो, चाहे 2 महीने लगे आपको होटल में वही रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, ये भावना थी। तो आप सोच सकते हो कांग्रेस में आज भी दमखम है कार्यकर्ताओं में, लोगों के अंदर सोच है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी का बयान सुना, उस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि लगातार 2 वर्षों से शासन करने में विफल होने की एक मानसिक विचलन उनके बयानों में दिखता है। अफसोसजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बिना किसी प्रमाण के भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का बिना किसी प्रसंग के नाम लिया, जो शायद राजनीति की मर्यादा में नहीं आता है। वो बार बार अपने सत्ता के हिलने की भेड़िया आया जैसी कहावत से डर के और भारतीय जनता पार्टी पर तोहमत लगाते हैं। सब जानते हैं उनकी पार्टी का अपना सियासी झगड़ा है। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए, उन्होंने इस देश में नोटबंदी को लेकर जिक्र किया। मुझे लगता है कि नोटबंदी से कांग्रेस को जो चोट पड़ी है वो शायद गहलोत जी भूले नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का काला धन इस नोटबंदी की उस आंधी में छुप गया, विलुप्त हो गया और कांग्रेस पार्टी की आर्थिक कमर टूट गई। अभी हैदराबाद और बिहार की नतीजों ने साफ कर दिया कि कांग्रेस 2वें दर्जे की पार्टी है और यही हालत कांग्रेस की धीरे धीरे राजस्थान में होने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि कार्यालयों के निर्माण पर जो प्रश्न खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष और आंदोलन की पार्टी है और उसने अपने बूते पर ये कार्यालय के निर्माण का जिम्मा लिया है। 50 वर्षों तक कांग्रेस के नेताओं ने कार्यालय के निर्माण की बजाय अपने घरों का निर्माण किया और आज वो हमसे जवाब मांगते हैं। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी शासन चलाने में विफल होकर पिछले 2 साल का जो शासन रहा है, राजस्थान के राजनीतिक इतिहास का एक काला अध्याय है। भ्रष्टाचार, अराजकता, अकर्मण्यता, ध्वस्त कानून व्यवस्था, किसानों की कर्जा माफी की वादा खिलाफी, बेरोजगारों से रोजगार की वादा खिलाफी, ये इस सरकार के कामकाज की वानगी है। मुझे लगता है अशोक गहलोत जी को ऐसा लगता है कि एक किस्म से उनका मनोबल और नैतिक साहस इन सारी कमजोरियों के कारण कम हो गया।